खगड़िया में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मामला मानसी थाना इलाके के एकनिया गांव का है, जहां पत्नी और बेटी से कहा सुनी के बाद मुन्ना यादव ने पहले अपनी पत्नी पूजा देवी और तीन बेटियों सुमन कुमारी, आंचल कुमारी और रोशनी कुमारी की गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। जिस समय मुन्ना ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त उसके दोनों बेटे छत पर सो रहे थे। उन दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पापा छत पर आए थे, दबिया लेकर सबको मारने लगे। पहले मम्मी को मारे, फिर सब बहन को मारने लगे। हम दोनों भाई तुरंत वहां से भाग गए और जाकर छुप गए। पापा लगातार मम्मी और बहन को धमकी दे रहे थे कि सबको काट देंगे। खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि मुन्ना यादव लंबे समय से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में फरार चल रहा था। पता चला है कि चोरी छिपे कभी कभार वह घर आता था। इसी क्रम में मंगलवार की रात को वह घर आया हुआ था, जहां पत्नी और बेटी से उसकी कहा सुनी हुई और उसके बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में, कारणों के बारे में अभी स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चश्मदीद जो मुन्ना यादव के दो बेटे हैं, जो कि वहीं छत पर सो रहे थे रात में, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे रात को मुन्ना यादव घर पर पहुंचे और किसी बात पे अनबन हुई या क्या हुआ उसका उनके बारे में उनको जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक दबिया लेकर के मुन्ना यादव ने अपनी तीनों बेटियों का बारी बारी से गला रेत करके हत्या कर दी। और ये दोनों जो बेटे हैं, ये लोग उस घटनास्थल से भाग गए, इसलिए उनकी जान बच पाई, वरना उनका ये कहना था कि उनके पिताजी उनकी भी हत्या कर देते। कुल मिलाकर 5 डेड बॉडीज यहाँ पर हैं, जिसमें से एक जो है सुसाइडल लग रहा है और 4 हत्याएं लग रही हैं, जिसमें से 3 युवतियाँ हैं, करीब 15 से 18 वर्ष के बीच में उन लोग की उम्र है, और एक मुन्ना यादव की पत्नी है, करीब करीब उनकी उम्र 30 से 35 साल होने की। माँ बाप और तीन बहनों को खोने का गम और हत्या की खौफनाक तस्वीर अपनी आंखों से देखने के बाद दोनों भाई सहमे हुए हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है, वहीं इलाके के लोग भी इस घटना से हैरान हैं। खगड़िया से ईटीवी भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।